दर्शकों मैं हूं रजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम स्वच्छ भारत दर्शकों स्वच्छ भारत कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है अवशेष का मोल आईआईटी मंडी द्वारा अनुसंधान एवं विकास दर्शकों हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमारे आसपास बची हुई चीज़ों का कुछ ऐसा नया रूप बना देते हैं जो बहुत अनमोल होता है जो बहुत कीमती होता है और अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो आज भी विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कई विद्वान हैं जो निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी व्यर्थ चीज़ों से कुछ ऐसी नई चीज़ बना सकें जिसे उपयोग में लाया जा सके जो हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके दर्शकों आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चेयरपर्सन एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ बायो एंड बायो इंजीनियरिंग डॉक्टर श्याम कुमार मसाका पल्ली सर श्याम सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी आज के दिन आप ऐसी बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं आपका सा, जो संस्थान है वो भी ऐसी बहुत सी रिसर्च कर रहा है जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है इससे पहले कि मैं आपके रिसर्च वर्क में गहनता से बात करूं हमारे दर्शक तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये किस तरह के संस्थान होते हैं यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है ओके okay, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डी हिमाचल को आईआईटी मंडी जहाँ पर मैं काम करता हूँ एक ऐसे एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया का है और 2009 से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चालू है जिस जिसमें आज के दिन पे लगभग नाइन नाइन स्कूल्स और सेवन सेंटर्स ऑपरेशनल है और हमारा मेन विजन आईआईटी मंडी का ये है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड एजुकेशन हम प्रोवाइड करें ताकि वो जो स्किल्ड मैन पावर और जो रिसर्चर्स निकलेंगे वो uh, देश का उन्नति के लिए काम करें और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और मैं स्कूल ऑफ बायो साइंसिस और बायो इंजीनियरिंग में काम करता हूं जी सर आपने बताया कि आप स्कूल ऑफ बायो बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में एक तरफ से हम बात कर रहे हैं आई इंस्टीट्यूट की जो एक संस्थान है उसके अंदर है हमारा स्कूल ऑफ बायो बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग तो आप अगर हमें स्पेसिफिकली बताएं तो आपका स्कूल ऑफ बायो बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ये कौन सा स्कूल है देखिए स्कूल ऑफ बायो बायोसाइंसिस और बायो इंजीनियरिंग लार्जली फोकस करता है थ्री मेजर फोकस एरियाज के ऊपर जो देश के लिए बहुत जरूरी है जैसे हेल्थ हो गया एनवेंट uh, और एग्रीकल्चर तीनों so, hmm. पे हम नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर्स को ट्रेन करते हैं hmm. और रिसर्च भी कैरी करते हैं सो so, तो इसका प्रोसेस में हम आ, तीन एकेडमिक प्रोग्राम्स रन करते हैं अभी जैसे की बी टेक इन बायो इंजीनियरिंग हो गया जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे प्रोग्राम है अच्छा। और जो रिसर्च करना चाहेंगे और साइंटिस्ट uh, बनना है वो पी एच डी इन बायो साइंसिस और बायो इंजीनियरिंग करते हैं जी। और uh, बहुत सारे रिसर्च एरियाज में हमारा फैकल्टी जो वेल well ट्रेंड है वो काम करते हैं स्कूल ऑफ बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग में एक डिपार्टमेंट विद इन आई मंडी है और uh, आज के दिन पे 70 पीएचडी स्कॉलर्स और अबाउट मोर देन 100 बीटेक और एमटेक स्कॉलर्स इसमें काम करते हैं जी, आ, अपना पढ़ाई कर रहे हैं काफी बड़ी संख्या आ, है ये। और, <laughs> और और आ, आ, आज के स्वच्छ भारत का ये ये पे एटलीस्ट हम लोग फोकस करते हैं दो मेजर एरियाज पे जैसे कि हुआ है वेस्ट जो बोलते हैं वेस्ट अच्छा। एग्री वेस्ट पे आ, उससे वे, उससे वैल्यू बनाना उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कि वैल्यू और उसका ट्रीटमेंट हो और वेस्ट वाटर के ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं जबकि बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के साथ हम मिलके काम करते हैं उस पर और वेस्ट से भी वैल्यू निकालते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट और वैल्यू निकालते हैं जी तो मतलब आपका जो मेन फोकस है वो है कृषि अवशेष पर और जो हमारा पानी जिसका कोई काम नहीं रह गया है व्यर्थ पानी जो है अपशिष्ट पानी जिसे वो हैं कह, वो कह रहे हैं आप एक आपने कहा कि आज के समय में जो हम जानते हैं कि आप कृषि अवशेष पर काम कर रहे हैं या फिर जो कागज़ का कचरा है गीला कचरा है उसका उपयोग करके आप कुछ उपयोगी रसायन बना रहे हैं सर उसके बारे में आप हमें बताइए देखिए ये आ, सबसे बड़ा समस्या है आज के दिन पे जो वेस्ट को उसको ट्रीट करना और कर उससे उससे वैल्यू निकालना तो आ, ये ए, एक फोकस एक एरिया हमारा रहा ये जी। तो इसमें हम एक ऐसे रिसर्च किए हैं जो डीबीटी मेरा ग्रुप जो है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टम्, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आ, और एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो जिसके तौर पर हम ये वेस्ट टू वैल्यू जैसे कि सेल्यूलोसिक वेस्ट बोले एग्रीकल्चर वेस्ट बोले उसको कन्वर्ट करने का एक टेक्नोलॉजी हम डेवलप किए अच्छा। उसमें मैं थोड़ा एलाबरेट करना चाहूंगा बिल्कुल तो आ, ये जो वेस्ट सेल्यूलोस आप जब ले लेंगे नेचर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया है सूक्ष्म जीव है। तो वो ऑलरेडी स्लोली डिग्रेड करते रहते हैं जी। लेकिन हम ऐसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए ऐसे माइक्रोब्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो फास्ट काम करे अच्छा जैसे तो हमारा रिसर्च से ये पता चला कि लगभग 700 सौ आ, आ, से ज्यादा माइक्रोब्स को हम जब छानबीन किए उससे ऐसे चार माइक्रोब्स हम निकाले जो कि एफिशिएंट एफिशिएंट हैं हैं में चार. में से से चार चार तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? उनको पेयर्स में हम डाल सकते हैं लाइक दोनों को एक साथ डाले जी तो वो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं जिससे कि सेलुलोज से सबसे पहले ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करके वो ग्लूकोज रिलीज करते हैं अच्छा और नेक्स्ट माइक्रोब जो होते हैं वो उसको के, उस उसपे ग्रो होकर हो वो फर्मेंटेशन करके वैल्यूबल प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है जी। जैसे कि इथेनॉल हो गया इथेनॉल एक ऐसे वैल्यूबल प्रोडक्ट है जो आ, हम लोग को ब्लेंडिंग कर सकते हैं अपना पेट्रोल में जी। सो ये एक वैलेबल है लैक्टेट हो गया वो भी एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म केमिकल है वो बहुत जरूरी भी है सो ये प्रोसेस हम डेवलप किए हैं और इसको ये प्रोसेस होने के बाद और ये सब हम एक कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं जैसे? और ये ये कंट्रोल्ड कंडीशन एक बायोरिएक्टर में जो जो करते हैं बायोरिएक्टर अच्छा। एक ऐसे मशीन है जहाँ पर टेम्परेचर उसका पीएच, ऑल जितना कंडीशंस चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छा लगेगा जिससे कि वो ब्रेक डाउन कर पाए एफिशिएंटली वो प्रोसेस हम ऑप्टिमाइज किए हैं ये इसमें दो पीएचडी स्कॉलर्स आज तक आ, आ, काम ऑलरेडी काम किए हैं और काम भी कर रहे हैं ओके okay, एक एक ग्रेजुएट भी हो गया और और एक फिलहाल काम भी कर रहे, है। कर रहे हैं तो इस टेक्नोलॉजी में इवेंचुअली जो वैल्यू आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है और जबकि इसके साथ और एक चीज इंटीग्रेट किया गया जो इंजीनियरिंग में हमारा कोलीग है जैसे डॉक्टर डॉक्टर स्वाति शर्मा है जो आईआईटी मंडी में ही काम करते हैं उन उनके पास एक, एक, एक है जिसको बोलते हैं पायरोलिसिस टेक्निक पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी सो उसको इंटीग्रेट किए इससे जो कि जो सेलुलोज रह जाता है कुछ माइक्रोब्स रह गया जबकि वैल्यू हम ले लिया ऑलरेडी जो रह गया उसको फर्दर कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू वैल्यूएबल कार्बन मतलब आप कह रहे हैं कि जो पदार्थ हैं हमारे पास व्यर्थ पदार्थ हैं अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें तो हमें यूज करना ही है उसके बाद भी जो रह जाता है वो भी यूज में आ रहा है बिल्कुल जी सो so, वो जो वेल्यूबल कार्बन आता है उसमें, वो जैसे वाटर फिल्टर में यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा सकता है। सो एप्लीकेशन so, बहुत ज्यादा है उसका सो so, ओवरऑल uh, आप अगर इसको समराइज़ करो इन्हें uh, uh, बहुत सरल भाषा में, सरल आ, में आ, आप ले लिए uh, <laughs> पेपर वेस्ट ले माइक्रोब डाल दिया बायोरिएक्टर में पूरा जितना एनवायरमेंट देना है वो एनवायरमेंट दिए आपको वैल्यू निकल गया एंजाइम्स निकल गया जैसे कि सेल्यूलिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है जी। और केमिकल्स निकल गया जैसे कि लैक्टोज इथेनॉल वो यूज आ गया उसके बाद भी बहुत सारे सेलुलस रहता है अनयूज ये टेक्नोलॉजिकली बड़ा चैलेंजिंग होता है तो उस अनयज सेल्यूल को फर्दर पैरालिस करके और वैल्यू जनरेट और वैल्यू जी हाँ। तो ये आ, ये रिसर्च हम किया गया और इस पर हम ऑलरेडी प्रोटोटाइप डेवलप किए हैं और इसको पब्लिश भी किए हैं साइंटिफिकली उतना ही नहीं है उसका पेटेंट भी हम अप्लाई किया और ग्रांटेड भी है अच्छा आपको पेटेंट भी मिल चुका है अभी इस प्रोसेस का जी तो अभी हम लोग इस बात ये बात कर रहे हैं कि रिसर्च चल रही है कितनी हुई है रिसर्च और कितना होना भी बाकी रह गया इसको देखिए रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जो कंटिन्यूस चलता, है।, चलता हम है ये चाहते हैं कि अभी जैसे 50 परसेंटेज एफिशिएंसी है इस प्रोसेस का जो इथेनॉल तक जनरेशन का जी। तो और भी स्कोप है इसको इम्प्रूव करने का तो ये रिसर्च चलेगा और जो पेटेंटेड है इसको लैब स्केल में हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया गया उसको स्केल अप की बहुत जरूरी है उस पर ऑलरेडी काम भी चल रहा है और आ, और कुछ इंडस्ट्री से भी हम ऑलरेडी इंटरेक्शन में हैं जो डिस्कशन चल रहा है ताकि इसको स्केल अप में हम कैसे इकोनॉमिकली वायबल किया जा सकता है उस पर लगभग और दो तीन साल में आ, इसको हम आशा करते हैं कि बड़ा स्केल में इसको यूज पे आ जाए जी और कितने समय से आप इसे कर रहे हैं ये लास्ट फाइव का प्रोजेक्ट है ये जो हम लोग मंडी में ये कर रहे हैं जी आप मतलब पिछले चार पांच साल से कर रहे हैं और अभी दो तीन साल में उम्मीद है कि इसे हम लोग पूरा कर सकते हैं इससे साल में लैब से इंडस्ट्री तक ले जाने का, आ, काम अभी, काम अभी बाकी, बाकी है।, है।, है और हम आशा करते हैं कि वो जरूर फुलफिल हो जी डॉक्टर श्याम आज के दिन जो भी हमारा पूरा विश्व जिस चीज से जूझ रहा है हमारे पास पानी की कमी नहीं है पर हमारे पास जो वेस्ट वाटर है वो बहुत ज़्यादा है पीने का पानी जो है आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कम होता जा रहा है तो क्या आप इस पानी की समस्या के ऊपर भी कोई काम कर रहे हैं हाँ जैसे पहले बोला आ, स्कूल ऑफ बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग में वेस्ट टू वैल्यू जब आ, हमारा फोकस एरिया है जी आ, वेस्ट वाटर के ऊपर भी हम लोग काम किए हैं Uh, इस तौर पे इंप्रिंट uh, बोल के एक प्रोजेक्ट जो कि मिनि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ये हम लोगों को 3.84 पॉइंट वर्थ प्रोजेक्ट एक uh, दिया है जिस जिसका मेन उद्देश्य है और ऑब्जेक्टिव uh, है कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट और वैल्यू दोनों एट डी सेंट्रलाइज वे में एक टेक्नोलॉजी डेवलप करें और ये प्रोजेक्ट आईआईटी मंडी को मिला है आईआईटी मंडी को मिला है और इसमें सिक्स एक्सपर्ट्स uh, जो कि बाकी स्कूल से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से और बायो डिस, डिसिप्लिन से मिलके और 12 पीएचडी स्कॉलर्स इस पे काम किए हैं और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अभी कंप्लीट हो गया है अच्छा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है हो चुका है तो इसका थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूंगा तो इसमें हम क्या डेवलप किए जब आ, सीवेज वेस्ट वाटर जैसे जैसे ये आया उस पर पहले रिसर्च किए परिशोध किए कि क्या क्या इसका अंदर केमिकल कंपोनेंट्स है सो so, उस उसके बाद हम उसको ऐसे एक टेक्नोलॉजी दिए हैं जो फ्लोकुलेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं जी। जो कुछ नेचुरल मॉलिक्यूल्स हम उसके अंदर अगर डालेंगे ये वेस्ट वाटर जो है दो बाग में डिवाइड हो जाता है जैसे 25 लीटर का वेस्ट वाटर आप लिए तो वन लीटर जो सॉलिड मास जो है वो सेटल हो जाता है अच्छा ओके okay. और वो सॉलिड मास भी बायोडिग्रेडेबल है लार्ज एक्सटेंट uh, के लिए वो बायोडिग्रेडेबल है जी. तो उसको हम लेके एक एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज देते हैं और बाकी ट्वेंटी फोर लीटर जो ट्वेंटी से बोले हैं वो ट्वेंटी फोर जनरल प्रोसेस जो आज के दिन पे प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी पे जाते हैं वो ट्रीटमेंट होके वो आ, अच्छा वाटर बन जाता है I mean, क्वालिटी का बन सकता है और ये वन लीटर जो एक प्रोपोर्शन जो एनारोबिक डाइजेस्टर पे जाता है हाँ जी। उसको हम अच्छा से डाइजेस्ट करा के उससे हाइड्रोजन जैसे वैल्युबल गैस जो क्लीन फ्यूल बोलते हैं अच्छा। वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप किए हैं और ये लैब स्केल से आगे कंप्लीट uh, बड़ा प्रोटोटाइप तक हम लेके गए हैं आपको अगर uh, हुँ। और एलाब्रेट करूं तो लैब स्केल में जैसे एक एक दो लीटर बॉटल में काम किया है, स्टार्टिंग में हमारा स्कॉलर्स बहुत मेहनत किया इस पर और uh, उसके बाद उसको ट्वेंटी फाइव लीटर्स का पर डे ट्वेंटी फाइव लीटर्स क्योंकि पानी जो है कंटिन्यूस फ्लो होता है तो ट्वेंटी फाइव लीटर्स पर डे ट्रीटमेंट uh, जो, जो कि हम ऑलमोस्ट वन डेज उसका टेस्टिंग किए हैं तो वो प्रोटोटाइप लैब में स्टेब्लिश किए जो आएगा एनरबिक डाइजेशन होता है टेस्ट टेस्ट किए क्वालिटी हाइड्रोजन कितना बन रहा है मीथेन कितना बन रहा है क्योंकि इसमें मीथेन भी बनता मिथेन है भी तो भी वो रेशियो को आ, कौन सा कंडीशन सुटेबल है जी, वो किए हैं उसके बाद उसके बाद उसको टू सॉरी फाइव हंड्रेड लीटर्स ट्वेंटी फाइव लीटर्स फिर फाइव हंड्रेड लीटर्स का एक लीटर्स पर डे

प्रोटोटाइप अभी ऑटोमेटिक यू नो पहले सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं कर चुके हैं और ये बहुत ही एप्लीकेबल है तो हम आशा करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी रेडीली अवेलेबल है और कोई इंडस्ट्री uh, uh, अगर इंटरेस्टेड हो तो हम उनको देने के लिए uh, तैयार हैं।, हैं ये मतलब ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं बहुत बढ़िया बात कही आपने अगर हमें मोटे मोटे तौर पर समझना हो तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जितना भी वेस्ट वाटर है जितना भी व्यर्थ पानी है चाहे वो सीवेज के वहाँ से आ रहा है या फिर कहीं और से है हम उसे एक जगह पर लेंगे उसमें हम कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल डालेंगे जो हमारा सॉलिड वेस्ट ठोस थो, पदार्थ है उसे और पानी को थोड़ा सा अलग कर देगा और उसके बाद हम उस पानी को अपने रोज़मर्रा की जिंदगी में उपयोग में ला सकते हैं छोटे मोटे काम के लिए और उसी के साथ साथ जो हमारा वेस्ट बचता है नीचे उसे भी हम लोग हाइड्रोजन जैसी गैसेस को बनाने में उपयोग में लाने वाले हैं ये एक बहुत ही अच्छा रिसर्च वर्क है और आपने कहा कि ये पूरा भी हो चुका है आ, लेकिन ये जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है ये सुनने में बहुत ही मुश्किल लगती है तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे आम लोग हैं जो लैब्स में काम नहीं करते हैं जो विज्ञान से इतने ज़्यादा रूबरू नहीं हुए हैं क्या वो भी इस काम को कर पाएंगे देखिए इसमें जो पीएचडी स्कॉलर्स जो काम किए हैं जी वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते हैं राइट तो ग्रेजुअली काम करते करते सीख गए बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप किया गया जी जैसे कि ऑटोमेशन कैसे करें ऑटोमेशन करने का उद्देश्य वही था ताकि ये बहुत लोग आसानी से यूज किया जा सकता तो आ, वो एक चीज बोलना चाहूंगा और इसमें सिर्फ उतना ही नहीं है ये जो प्रोटोटाइप जो बिल्ड हुआ है इसमें और हाउस होल्ड में फूड वेस्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जी, एक आ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं। ये जो पीएचडी स्कॉलर्स इस पे जो काम किए हैं दोनों हिमाचल के ही हैं हिमाचल okay, के ही ए, हैं ही हिमाचल ही के, ही के ही है।, ही है एक आ, एक लड़का और एक पीएचडी स्कॉलर लड़की है जी, ये दोनों मिलके एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया इसका नाम इंडी हेच है जी आज के दिन पे वो स्टार्टअप आई मंडी कैटलिस्ट जैसे एक और आईआईटी मंडी में यूनिट है जो हमारा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सपोर्ट करता है जी। तो वो उससे उनको सपोर्ट मिला, मिला। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप हिमाचल निधि प्रयास ये वाला जैसे प्रोग्राम से उनको सपोर्ट मिला, मिला, मिला और ये आ, उनका मेन उद्देश्य कंपनी जो स्टार्टअप का ये है कि ये लोग लोकल को ये टेक्नोलॉजी लेके जाए अच्छा और इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर होटल्स uh, में इसका इंस्टॉल किया जाए ताकि इससे एक तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी हो जाए उसके साथ साथ फायदा भी लिया जाए फायदा भी लिया जाए एंड so, अगर और, और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स किसी को भी आसानी से इसको ऑपरेट करने का तरीका बता देता जी मतलब कि हम लोग आने वाले समय में घर घर में भी अगर ये काम करना चाहें तो वो हो पाएगा देखिए ये बहुत ही जरूरी भी है जबकि हिमाचल में क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो फ्रेगमेंटेड है हिल, हिल टॉप में डिफरेंट एरियाज में रहते हैं जी तो उस एरिया में ये मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है और ये वाला घर घर में लग भी सकता है और फाइव हंड्रेड लीटर्स अगर एक साथ हमारा मॉड्यूलर यूनिट में चला जाएगा तो उससे पानी जो आएगा वो रियूज जी आ, गर्मी आती है बरसात आते हैं उसमें तो हमें पानी की दिक्कत रहती ही है पीने का पानी कहीं से हम जुगाड़ कर भी लें फिर भी हमारे जो दिन के प्रतिदिन के काम बचते हैं उनमें भी हमें पानी की बहुत कमी रहती है तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है लेकिन आप हमें थोड़ी और गहराई से बताइए अभी हमने एक दो चीज़ें तो चर्चा में लाई हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसे हम लोग कैसे यूज़ में ला सकते हैं या फिर जो हाइड्रोजन हमारी निकलेगी उसे कैसे उपयोग में लाएंगे लेकिन आज के दिन में हमारे देश के लिए और हमारे हिमाचल के लिए आपकी रिसर्च किस तरह से फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है देखिए लार्जली uh, अगर देखा जाएगा भारत और हिमाचल हुँ. जो भी एक एग्ररियन कंट्री और स्टेट बोल सकते हैं जी सो so, जो एग्रो रेजिड्यू है वो बहुत रिन्यूएबल uh, रिसोर्स uh, है वो वेस्ट नहीं है एक्चुअली वो रिसोर्स है हमारे लिए जी. उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट करना है जी. तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है उससे वातावरण के लिए एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इफेक्ट हो सकता है तो एनवायरमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिट हो सकता है ये टेक्नोलॉजीज जब जब यूज में आ जाएगा ऑलरेडी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं और ये वाला इंटीग्रेट जैसे मॉड्यूलर बोले ना तो इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज में उसको ऑलरेडी जोड़ा जा सकता है सो so, ये बोत चाहे तो आप एग्रो वेस्ट बोलिए या पेपर वेस्ट बोलिए और वेस्ट वाटर बोलिए कोई भी ये तीनों टेक्नोलॉजी बहुत ही uh, ये दोनों टेक्नोलॉजी जो भी आज डिस्कस किए ये बहुत ही यूज पे आ सकता है और दोनों का इम्पैक्ट सोसाइटी लेवल और एनवायरमेंट लेवल पे बहुत ही है ये आ, मैं बोलना चाहूँगा हाँ जी और अगर हम अपने देश की इकोनॉमी की बात करें तो क्या ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी किसी तरह से उपयोगी सिद्ध होने वाली है आगे आने वाले दिनों में देखिए इंडिया का अगर बायोफ्यूल मिशन आ, और वेस्ट टू वेल्थ का मिशन जो भी चल रहा है उसमें हमारा कुछ टारगेट्स है जैसे जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग आ, हमारा पेट्रोल में ऐड करना है जी, हमारे, so, मान के चलिए थर्टी परसेंटेज तक हम अगर जो टारगेटेड है उसको हम मैच कर पाए जैसे ये टेक्नोलॉजी से इथेनॉल बना या फिर हाइड्रोजन आया ये फ्यूल्स हम अगर यूज करने लगेंगे और एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हम कितना खर्चा करते हैं टू गेट द पेट्रोल एंड जैसे कि टू बाय द पेट्रोल तो वो पेट्रोल को आ, के ब्लेंडिंग जब करेंगे जो भी ब्लेंडिंग करेंगे वो अगर इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में इंडिया अगर में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उतना इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हुआ ना तो क्योंकि हम खरीदने रहे हैं रादर लोकल इकोनॉमी ऊपर से ये रिन्यूएबल रिसोर्स है तो एवरी आई मीन सालों साल हमको ये एग्रो वेस्ट आता रहेगा पेपर वेस्ट तो बन ही रहा है तो उसको हम अच्छे से यूज करने से बेनिफिट बहुत है इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पैक्ट होगा और खास करके हिमाचल में ये जो घर माउंटेन्स के ऊपर होता है वो रेनफेड होते हैं तो पानी नीचे बह जाता है और नीचे से पानी उठाया जाता है उनको पानी देने के लिए पानी देने तो पानी कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज भी है तो दोनों इकोनॉमी सोसाइटी और एनरोनमेंट ये तीनों चीज को एक ही साथ ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन में बहुत ही तो मददगार करेगा। साबित होने वाली है बिल्कुल सही जी तो आप अपनी रिसर्च को भविष्य में कहाँ देखते हैं कौन सी दिशा में आप ले जाना चाहेंगे इसे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्कीम्स द्वारा सपोर्ट करता है रिसर्चर्स को हमारा स्कॉलर्स को तो जैसे कि डीबीटी हुआ डीएसटी हुआ हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हुआ आईआईटी मंडी भी बहुत सारे स्कीम्स रख के हमको सपोर्ट करता है हर तरीके से जी. आ, अच्छा स्कॉलर्स भी हम अट्रैक्ट कर पाते हैं टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है फेसिलिटीज वाइज नॉलेज वाइज कोलाबरेशन है सो so, एक इको सिस्टम ऑलरेडी है जी. तो हम फ्यूचर में ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी स्केलेबल है हुँ. हम स्केल अप करें इंडस्ट्रीज के साथ कोलाबरेट करें तो ताकि ये भविष्य में एक लैंडमार्क यू नो जैसे कि आ, अच्छा वैल्यू निकाला जा सकता है हमारा वेश से जी. और तीनों जैसे कि देश के लिए इकोनॉमी प्लस एनवेंट तीनों में हम कंट्रीब्यूट करें जी हमारे कुछ एक युवा भी हैं यंगस्टर भी है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप उन्हें छोटा सा संदेश क्या देंगे अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत प्लेंटी है जी और खास करके इस पर्टिकुलर डोमेन में यंगस्टर्स आना बहुत जरूरी है जी. जो पैशनेट हैं फैसिलिटीज है हमारे पास ना ये पर्टिकुलर थीम में वेस्ट टू वैल्यू वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारे इंस्टिट्यूट्स गवर्नमेंट का इंस्टिट्यूट्स भी सपोर्ट support करके रन हो रहे अपॉर्चुनिटीज एन्यूमरस है मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो पैशनेटली आए आने के बाद आ, आके कंट्रीब्यूट करे जी। uh, चाहे वो मैनेजमेंट में क्यों ना हो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को और बेटर करने में क्यों ना हो और uh, अकेडमिशियंस और रिसर्चर्स होने के नाते हम उनको पूरा मदद पूरा करना मदद चाहेंगे। करना चाहेंगे जी तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में हमने एक ऐसा विषय चर्चा में लाया है जो हमारे लिए हमारे पर्यावरण के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है और हमारे आज के मेहमान ने भी जैसा कि बताया कि ये चाहेंगे कि भविष्य में हमारे साथ और भी लोग जुड़ें आ, सर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आए और दर्शकों इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए भी लाते रहेंगे इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद